षड्यंत्र में लगी हुई है सरकार, और इसलिए यह मसला सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति का नहीं है, यह मसला इस देश को बचाने का है जिसको हमारे पुरखों ने बनाया था। और मैं शुरू से कह रहा हूं, जबकि 20 अप्रैल को दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर सामाजिक न्याय सम्मेलन, इसी 5 मार्च के निर्णय के बाद जो विवेक तिवारी द्वारा दायर किया गया था, और इस पर विवेकानंद तिवारी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, जिसके बाद सामाजिक न्याय के भग्नावशेष भी आप यूनिवर्सिटीज में नहीं खोज पाते, इसलिए तब भी हमने कहा था और अपने डिबेट में जेएनयू में भी कहा था, लेकिन ऐसे मसलों पर वोट नहीं मिला करते। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जनता का मुद्दा इसको बनाना होगा, और तमाम सामाजिक न्याय की पक्षर पार्टियों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना होगा कि आप जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को देश की राजधानी, सूबे की राजधानी में पढ़ाते हैं, तो वो प्रोफेसर साहब नहीं बन पाएंगे। इस साजिश को इतना ही समझिए कि एक साथ किसी भी यूनिवर्सिटी में 14 पोस्ट नहीं आएगा तो एक भी आदिवासी प्रोफेसर नहीं बन पाएगा। एक साथ 7 पोस्ट एडवर्टाइज नहीं होंगी तो कोई भी दलित नहीं प्रोफेसर बन पाएगा, और 4 नहीं आ पाएगा तो कोई पिछड़ा पसमानदा नहीं बन पाएगा, यानी कि आपको नेशन के इमेजिनेशन में ही वो नहीं मान रहे। इसलिए साथियों, यह वक्त है कि अपनी लड़ाई को, अपने आरक्षण को, सामाजिक न्याय को, सेकुलरिज्म को बचाएं, और 19 के चुनाव से पहले इस देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी सरकार को दिल्ली की तख्ते से हम लोग खदेड़ते हैं। अरे नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम था, नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम था, यहाँ तो बेचने वालों ने गुलशन तक बेच डाला है। ऐसे बिकाऊ, ऐसे लुटेरे लोग हैं, इस देश का ऐसा एक भी लुटेरा नहीं है जिसके साथ इस मुल्क के वजीर आजम की तस्वीर ना हो, सारे भगोरे के भगोरे इनके मित्र हैं। साथियों, आप यह देखिए कि 496 विश्वविद्यालयों में जो कुलपतियों की सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसमें मात्र 6 दलित, मात्र 6 आदिवासी और मात्र 36 ओबीसी हैं, बाकी 448 लोग ये अठलखिया दरिद्र ब्राह्मण और तमाम उच्च जाति के लोग हैं। हमारी पार्टी और हम तमाम लोग गरीबों के खिलाफ नहीं है, हम गरीबों के द्वारा, गरीबों के लिए, गरीबों द्वारा, उनकी मेहनत के द्वारा स्थापित पार्टी आरजेडी की ओर से आपके बीच अपनी बात रख रहे हैं। हमारे नेता तो यूपीए 1 में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी आरजेडी, ग्रामीण विकास मंत्रालय था, रघुवंश बाबू मंत्री थे, मनरेगा लेकर आए थे पलायन रोकने के लिए, बेरोजगारी रोकने के लिए, लेकिन आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, और इसने मन की बात की तरह एक रोज फैसला लिया कि 10% रिजर्वेशन देना है बिना किसी आंकड़े के, और अगले दिन लोकसभा में पास हो जाता है, फिर राज्यसभा में पास हो जाता है, और फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, कानून बन जाता है। मतलब तथा कथित पिछड़े प्रधानमंत्री और तथा कथित दलित राष्ट्रपति द्वारा इस देश के संविधान को कुचलने का काम किया गया है। हम सब इसके खिलाफ खड़े हैं, और आने वाले चुनाव में यूनिवर्सिटीज से, युवाओं के बीच से, किसानों मजदूरों की तरफ से इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि आप सबका जो यह जमावड़ा है, हम सबका यह आने वाले चुनाव तक इसी तरह से, जब तक यह बिल न बन जाए, जब तक कि हमारे आरक्षण को फिर से रिस्टोर नहीं कर दिया जाए, 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू फिर से नहीं कर दिया जाए, हम झुकने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं, हम बलवाइयों और दंगाइयों की टोली नहीं, संजीदा नागरिकों की फौज है। आप पर विश्वास है, हमको अपने विवेक पर भरोसा है, इसी उम्मीद और यकीन के साथ इन्हीं सरदारों से होंगे कल नए कुछ कारवां पैदा, इन्हीं सरदारों से होंगे कल नए कुछ कारवां पैदा, जो जल्ले आज उड़ते हैं गुब्बारे कारवां होकर। बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय फूले, जय बिरसा, जय अंबेडकर, जय फातिमा, जय सावित्री, जय मंडल। बहुत बहुत शुक्रिया।